गाइस गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो चुका है और मैं जाग चुका हूँ और मैं फ्रेश वगैरह होकर फिर आपसे ब्लॉग स्टार्ट किया। तो आज क्लास नहीं है, तो आज जाने वाले दो तीन काम है मेरे पास, वो करेंगे। फिलहाल तो अभी चलते हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय पीना सुबह होता नहीं है। तो अभी चलते हैं चाय पीने के लिए, बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो गाइस ये मैंने चिप्स का पैकेट लाया था कल और ये एक्सपायर्ड ही निकल गया, तो अब इसको चलते हैं फिरवाने के लिए। मतलब इसको अभी इसको चलते हैं बदलवाने के लिए, क्योंकि पता नहीं लोग मेरे साथ क्यों ऐसा करते हैं। हाँ, समझ नहीं आता। आज मौसम ठीक है, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा गर्मी, अब सही है, मिड रेंज में, मिड रेंज। ये तो कल तो चाय खुद से पिया था। कमाल की बात ये थी कि चाय खुद से बनाया था, और सबसे कमाल की बात ये थी कि चाय छनी नहीं थी। तो जैसे ही रॉ चाय पिए थे चाय पत्ती के साथ, बार बार चाय पत्ती फेंकते थे थू करके और चाय पीते थे। इस तरह का कल मैंने चाय पिया था। कल दुकान बंद था चाय वालों का, चलते हैं पीते हैं, मन कर रहा है। ताज्जुब है, आज एक भी बिल्ली नहीं दिख रही है, वरना हमेशा यहाँ पे बहुत सारा बिल्ली रहती थी और ऊपर में भी चढ़ के रहती थी, पता नहीं आज क्यों नहीं दिख रही। सो गाइस अभी खाना वगैरह बन चुका है, दाल चावल और आलू का भुजिया, मगर कोई काम का भुजिया बना नहीं है, बहुत ही ख़राब लग रहा है। मैं क्या ही बताऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ सीधा। मतलब दुनिया का सारा कुछ अच्छा से अच्छा बना सकता हूँ, मगर ये भुजिया है जो मेरे से बनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बनता। कितनी भी कोशिश कर दो, मेहनत कर दो, नहीं बनता। दिखाता हूँ आपको, ये देखो गाइस कैसा भुजिया है, इतना जला जला सा लग रहा है ना कि क्या ही बताऊँ। मुँह नाक सब खराब हो चुका है, मगर खाना तो पड़ेगा ही, मेहनत है तो बर्बाद तो जाने दूंगा नहीं। ठीक है, तो ये है, इधर चावल बनकर रेडी है और इधर दाल भी है, और इधर दाल भी बना लिया मैंने। तो दाल चावल भुजिया खाऊंगा आज, देखता हूँ। तो देखा ना भुजिया का क्या हालत है। तो ठीक है, अभी चलेंगे नहाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी चलते हैं नहाने के लिए, उसके बाद शाम में फिर बाहर भी जाना है और टी शर्ट चेंज करवाना है। तो लिया था मैंने, मगर वो चीज़ हुआ नहीं, मतलब फिटिंग सही नहीं आ रहा था, तो उसको चेंज करवाएंगे। एक सप्ताह से सोच रहा हूँ, मगर टाइम मिल नहीं रहा, तो आज टाइम है तो आज चलेंगे। तो देखते हैं शाम में बाहर जाएंगे, फिलहाल चलते हैं अभी नहाने के लिए, नहा के आते फिर आप सुनते हैं, चलिए। तो गाइस मैं भी नहा के आ चुका हूँ, देखो बहुत ही ज़्यादा बाल भीगा हुआ है। ठीक है गाइस, तो अभी चलेंगे खाना खाने के लिए, तो चलिए खा लेते हैं, तब तक ये अब खुद व खुद सूख जाएगा इससे। तो अभी चलते खाना खाने के लिए, निकालते हैं उसके बाद फिर आपको दिखा। सो गाइस इधर खाना निकाल लिए, चावल और दाल, और इस साइड है हमारा भुजिया और ये अचार। भुजिया का देख रहे हो क्या हालत हो चुका है, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, वैसा हालत हो गया। तो ठीक है, अभी जैसा भी है, मेहनत लगा है तो खाएंगे। मतलब भुजिया बनता ही नहीं, पता नहीं, बहुत बार मैंने ट्राई किया था भुजिया बनाने का, एक बार भी नहीं बना, और इस बार बना भी तो इतना चल गया। ठीक है, छोड़िए, चलिए खाओ के फिर आपसे मिलते हैं खाना। सो गाइस मैं अभी बैठे बैठे, मतलब खाना खाने के बाद थोड़ा कुछ, खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रहा था, उसके बाद पढ़ते पढ़ते फ़ोन कब गिरा कब नींद आ गया मुझे पता नहीं चला। तो ठीक है, अभी उठ गया हूँ और अभी 7 बज रहे हैं रात के 7, सोचो कितना सो लिया होगा, 3 घंटा। ठीक है, तो अभी चलते हैं बाहर चाय पीने के लिए, क्योंकि सर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, सॉरी, और शाम में चाय मिलना ही मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। इस वजह से चलते हैं अभी बाहर और चाय पीते हैं, मुँह पे जाते हैं, पहले पानी वगैरह तो मार लें, चलिए मिलते हैं आगे। अभी चाय पीकर आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा पसीना चल रहा है, और इसमें क्या बोलो, इसको धोना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा पसीना से भीग चुका है फिलहाल। और एक और काम है, मार्केट जाना है थोड़ा सा, तो अभी चलते हैं, क्योंकि टी शर्ट लिया था उसका साइज़ फिटिंग नहीं आ रहा है इस वजह से। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद आके फिर खाना वगैरह बनाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अभी बैग ले लिए और बैग में जा रहे, वो एक टी शर्ट लाया था और वो एक्सेल साइज दे दिया, मैंने उसे बोला था कि एल दो, मगर वो एक्सेल दे दिया,
तो अभी जा रहे हैं उसको रिटर्न करवाने के लिए, क्योंकि वो होगा नहीं तो लेकर कोई फायदा है नहीं। सिर्फ पहले ये परफ्यूम मार लेते हैं, अब अच्छा महक रहा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा रोड पे। चलिए, जब भी निकलो ये बिल्ली जरूर दिख जाएगा। ओ, अंधेरे में चला गया। बात कुछ ऐसी हुई कि वहां का मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा था। अब सब कुछ मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए 1-2 हफ्ते बाद वापस से जाएंगे। डॉगी डॉगी हफ्ते बाद सारा नया माल आएगा, बनेगा तो लेंगे। तो अभी चलते हैं रूम पे, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, मैं अभी घर पे आ चुका हूँ, और आकर तब तक ये टी शर्ट जो है वो सूख चुका है, क्योंकि फैन ऑन करके गया था तो अभी तक ये टी शर्ट सूख गया। और अभी जाते हैं ऊपर, कपड़ा दिया था सूखने के लिए तो वो लेकर आते हैं। उसके बाद आज खाना बनाने का मूड कर नहीं रहा, सोच रहे हैं कि मैगी बना दें। अंडा वगैरह का यूज़ तो कर नहीं सक अंडा वगैरह का यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नवरात्रा चल रहा है, तो इस वजह से तो प्लेन मैगी बनाएंगे, सिंपल मैगी बनाएंगे। तो बनाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं, खाते हैं, उसके बाद कुछ पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, क्योंकि कल क्लास भी है। देखो गाइस, मौसम देखो, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है मगर हवा चल रहा है। बाहर सही लगता है, रूम के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ना देखो, डॉगी और बिल्ली तो यहाँ मत पूछो कितना सारा है। देखो आसमान काला काला। ठीक है, चलते हैं कपड़ा उठाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ओ, आते आते कौन मिल गई? कहाँ जा रही है? मैं मेला जा रही हूँ। मेला देखने? कहाँ पे? अच्छा, वो जो वहाँ लगा है। तुम भी जा रहे हैं? तबीयत ठीक है? नहीं ठीक है तो फिर क्यों जा रहा है? मजा आता है, यही 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 जज्बा रखो। मैं काफी समय से सोच रहा हूँ कहाँ है मैगी, कहाँ है मैगी। मुझे याद था कि मैं लाया हूँ, मगर ये याद नहीं था कि कहाँ है। तो अब याद आ गया कि बैग में, बहुत देर से मैं सोच रहा था। तो अभी चलते हैं मैगी बनाने, क्योंकि रात के 9:30 बज चुके हैं। तो बर्तन वगैरह धो लिया, अब कोई काम नहीं है, सिर्फ खाना है, कुछ पढ़ाई करना है, उसके बाद फिर सोना है, अब ब्लॉग को खत्म करना है। तो चलिए बनाते हैं प्लेन मैगी। एक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करना है, वो है दूध गर्म करना, क्योंकि दूध मैं ला कर रख देता हूँ, मगर उसको मैं गर्म करना बार बार भूल जाता हूँ, और इस वजह से दूध ख़राब हो जाता है और अगले दिन नाले में फेंका जाता है। तो इस वजह से चलता हूँ दूध गर्म करने के लिए, उसके बाद फिर मैगी बनाएंगे। चलिए। तो गैस, क्या हुआ दूध का हाल? मैं जानता था कुछ ऐसा ही होगा, इसको गर्म किया मगर ये पूरा का पूरा ये दूध बेकार हो चुका है। और गाइस, इधर हमारा टेस्टी मैगी बनकर रेडी हो चुका है। ये देखो, बिल्कुल प्लेन मैगी आज बनाया है, क्योंकि प्लेन खाने का था, अंडा वगैरह डालना नहीं था, इसलिए ज़्यादा कुछ किया नहीं, नॉर्मल तरीके से इसको बस बना दिया। और ये भी सूख चुका है, क्योंकि 5-10 मिनट पहले ही बनाया था, तो इस वजह से। चलिए अभी इसको खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। चलिए। सो गाइस, अभी मैगी खा चुका हूँ और बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिया, क्योंकि सुबह में फिर उसको साफ़ करने में बहुत झमेला हो जाता है ना, सूख जाता है बर्तन, तो धोने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए लगे हाथ आज कर दिया, धो दिया। और अभी ये पॉज मार्किंग जो चैप्टर है वो पढ़ते हैं, और आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को यार बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, इस चैनल को ये जो रहा नीचे सब्सक्राइब का बटन, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब जरूर कर दो। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक अपना ख्याल रखो, और हाँ, सभी का गुड नाइट, बाय।